हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, और बल्कि यूँ कहिए कि धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है, जिसकी वजह से रूही, अभीरा और अरमान तीनों की जिंदगियां बदलती हुई नजर आएंगी। आखिर क्या है शो की कहानी में आगे, जानने से पहले मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए हों। दरअसल बात की जाए तो दादी सा और विद्या को भी यहाँ पर इस अपकमिंग ट्विस्ट से शॉक लग चुका है, और आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस ट्विस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अभी रोहित के एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद जहाँ पूरा पोदार परिवार टूट चुका है, बिखर चुका है, तो अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रोहित के एक्सीडेंट में डेथ हुई ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दरअसल रोहित जिंदा है, और हम ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहे, और इस बात की कन्फर्मेशन खुद रोहित पोदार का किरदार निभाने वाले हैंडसम एक्टर शिवम खजूरिया ने की है। शो के अपकमिंग ट्रैक के बारे में जहां बातचीत करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान शिवम ने कहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है मैंने छोड़ा नहीं है, मैं बहुत जल्द शो में वापसी करने वाला हूं। मैं अपने सभी फैंस को इस बात की सूचना देना चाहता हूं कि मेरा किरदार यानी कि रोहित जल्द ही ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं वापस आएगा और हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ वापस आएगा। शिवम ने अपने दिए इंटरव्यू में आगे कहा कि दरअसल पुराने कमिटमेंट्स की वजह से मुझे शो में ब्रेक लेना पड़ा। मैंने ये शो साइन करने से पहले मेकर्स को बता दिया था कि मेरे कुछ पुराने कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से मैं जनवरी में ब्रेक लूँगा। इसीलिए कहानी के इस मोड़ पर, इस पड़ाव पर कहानी में इस तरीके का ट्विस्ट लाया गया है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही शो में बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार वापसी करूंगा और एक बार फिर से आप सबको एंटरटेन करूंगा। वेल, यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। देखना होगा काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग कि जब फैंस हमारे इस नए रोहित की एक बार फिर से एंट्री देखेंगे तो कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।